गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड इज आल्सो नोन एज हेक्साडेकानोइक एसिड, IUPAC अगर नॉमनक्लेचर हम करें। और अगर हम इसका जो है मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें, दैट इज CH3CH2 14 COOH। और केमिकल फॉर्मूला जो है वो इसका C16H32O2 है, राइट। नाउ ये जो पामेटिक एसिड है, व्हाई इट हैज़ बीन यू नो नेम्ड सो, बिकॉज जो मेजर कंपोनेंट है पाम ऑयल का, पाम ऑयल में जो फैटी एसिड जो है का जो मेजर पार्ट है वो इसी टाइप की फैटी एसिड का है, इसीलिए इसका जो नाम है वो पामेटिक एसिड रख दिया गया, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम देखें तो दिस पामेटिक एसिड इज़ वेरी कॉमन, नॉट ओनली इन पाम ऑयल, इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स, इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में तो जैसे पाम के अलावा इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन यू नो सोयाबीन ऑयल, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सनफ्लावर ऑयल, करेक्ट। पामेटिक एसिड इफ यू सी, इट इज़ फाउंड इन मीट, इट इज़ फाउंड इन चीज़, इट इज़ फाउंड इन बटर, इट इज़ फाउंड इन वेरियस अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। अब अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग के जो फैट डिपॉजिट्स हैं या फैट डिपोज हैं, उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो पामेटिक एसिड का है। इवन जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, उसका भी जो मेजर फैटी एसिड है वो पामेटिक एसिड ही है। ओके, नाउ व्हाई पामेटिक एसिड, हाँ व्हाई पामेटिक एसिड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमने इसका बायोसिंथेसिस जो है इसी का सोचा? बिकॉज जो दूसरी फैटी एसिड्स है ना, वो पामेटिक एसिड के मॉडिफिकेशन से ही बनती है। यानी कि पामेटिक एसिड जो है दूसरी फैटी एसिड्स का प्रिकर्सर है, यू कैन से इट इज़ स्टेम फैटी एसिड। तो वंस अगर हमें पामेटिक एसिड के बारे में पता चल जाएगा सिंथेसिस के बारे में, देन दूसरी जो फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो समझने में आसान हो जाता है, इसीलिए बायोसिंथेसिस ऑफ पामेटिक एसिड हमने लिया है। ओके, नाउ अगर हम कंपोनेंट्स देखें बायोसिंथेसिस ऑफ पामेटिक एसिड के लिए, एक मिनट, बायोसिंथेसिस के लिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले है एसिटाइल को एंजाइम ए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ NADPH2, ये जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है। ये जो है बॉडी में मैलिक एसिड होती है, मैलिक एसिड का के ऑक्सीडेशन से जो है इफ़ यू सी ऑक्सलो एसिटेट इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसके साथ साथ जो है NADPH2 इज़ प्रोड्यूस्ड। यानी कि मैलिक एसिड प्लस NADP जो है इनका यू नो डिहाइड्रोजिनेस होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और उसके बाद ऑक्सलो एसिटेट और NADPH2, यानी कि NADPH2 का सोर्स हमें पता चल गया। थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ यू नो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? साइटोप्लाज्म में बाइकार्बोनेट सफिशिएंट अमाउंट में होती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ ATP, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, और मैंगनीज भी चाहिए होता है फॉर वेरियस एंजाइमेटिक प्रोसेस। नाउ इन सब के तो हमने सोर्स बता दिए, नाउ वी कम टू एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए इफ़ यू सी, जो है जो एलोंगेशन ऑफ चेन होती है ना, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला, एक तरफ तो CH3 है, फिर क्या है CH2 14 टाइम्स एंड COOH। तो तुम देखो बीच में जो है ना कार्बन चेन की एलोंगेशन है 14 टाइम्स, तो ये जो एलोंगेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो कौन प्रोवाइड करता है? एसिटाइल। एसिटाइल जो है हर बार में दो कार्बन एटम प्रोवाइड करेगा, या एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, इसीलिए एसिटाइल को ए इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ
वैसे तो एसिटाइल को ए जो कि मैंने बताया कि प्राइम इंग्रेडिएंट है, ये जो है एसिटाइल को ए, इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी इजीली मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस जब होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड जो है इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए। ठीक है, बट ये जो एसिटाइल को ए है दैट इज़ इनसफिशियंट। तो अब यानी कि साइटोप्लाज्म में एसिटाइल को इनसफिशिएंट होती है तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से जो है एसिटाइल को लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल को कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो है डीकार्बोक्सिलेशन से, जैसे शुगर्स के डीकार्बोक्सिलेशन से, या फिर फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से, इनसे जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोए जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज मॉडिफाइड, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सलोएसिटिक एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑक्सलोएसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड एक कैरियर के साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आती है। ओके, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इफ़ यू सी दिस सिट्रिक एसिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, एक कोएंजाइम ए भी ऐड किया जाता है सिट्रिक एसिड के साथ, और उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होती है और ऑक्सलोएसिटिक एसिड फॉर्म होती है। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में साइटोप्लाज्म में किस किस के साइटोप्लाज्म में, लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, एडिपोज टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड, इन सभी ऑर्गन्स के सेल्स में, और सेल्स में भी कहाँ, साइटोप्लाज्म में जो है फैटी एसिड पामेटिक एसिड सिंथेसिस हो रहा होता है। करेक्ट, नाउ अब हमें जो एसिटाइल को ए मिल गया, यानी कि एसिटाइल को ए को हम ना एक तरह से प्राइमर भी बोल सकते हैं या स्टार्टर भी बोल सकते हैं फॉर पामेटिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, अब जो है इफ़ यू सी कि नाउ वी स्टार्ट द यू नो सिंथेसिस, ये देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमें मिल गया। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए को यू नो कन्वर्ट किया जाता है मेलोनिल कोएंजाइम ए में। कैसे, एक एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, इस कार्बोक्सिलेज का एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है बायोटिन। ये बायोटिन क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ये बायोटिन जो है एसिटाइल कोए में यह इस एंड पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड कर देता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस एंड पर ऐड करेगा तो एसिटाइल कोए क्या होगा, ये देखो ये ऐड कर दिया ना COO, तो ये जो है मेलोनिन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू प्रोडक्ट्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मेलोनिन कोएंजाइम ए। मेलोनिल भी एसिटाइल की मदद से कन्वर्ट हुआ है और एसिटाइल भी एज सच प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। करेक्ट, अब नाउ कुछ एसिटाइल कोए तो मेलोनिल के लिए यूज हो गया, रिमेनिंग एसिटाइल कोए जो है क्या होता है उसका यू नो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांस असाइलेज। ठीक है, इस एक एंजाइम है एसिटाइल ट्रांस असाइलेज, इसका एक यू कैन से प्रोटीन पार्ट है जिसको हम कहते हैं असाइल कैरियर प्रोटीन। ACP का मतलब ये है असाइल कैरियर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, अगर हम सोचें ये ACP है, ACP के एक एंड पर तो थायोल ग्रुप है, SH ग्रुप है, और दूसरे एंड पर अमीनो एसिड है जिसको कहते हैं सीरीन। तो ये जो एंड है ना, ये जो थायोल ग्रुप है ये इजीली जो है ना इस कोए ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ये ट्रांस एसिटाइलेज का जो असाइल कैरियर प्रोटीन है ये क्या करेगा कि इस एंड को डिस्प्लेस कर देता है और क्या फॉर्म करता है, ये देखो इट विल फॉर्म असिटाइल एसीपी कॉम्प्लेक्स, ये देखो बन गया ना, यानी कि सी ओ ए इसने रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या आ गया, ए सी पी असाइल कैरियर प्रोटीन ने बाइंड कर लिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से मेलोनिल कोए को भी, मेलोनिल ट्रांस असिटाइलेज एंजाइम है उसका भी एक प्रोटीन पार्ट है, या कह सकते कोएंजाइम पार्ट है ए सी पी, ये ए सी पी जो है कोए को डिस्प्लेस कर देता है और ये क्या बनाता है, मेलोनिल ए सी पी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वी हैव एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है क्या फॉर्म हो गया, हमारे पास एसिटाइल ए सी पी बन गया और मेलोनिल ए सी पी बन गया। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स का होता है कंडेंसेशन, ठीक है। अब जो है कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कीटो असाइल सिंथेटेज। अब ये कीटो असाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगी कि ये जो है मेलोनिल से तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगी और एसिटाइल से एसीपी को रिमूव कर देगी, ठीक है, इस एंड को रिमूव कर देगी। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एसिटाइल एसीपी का ये पार्ट रह जाएगा और मेलोनिल का केवल ये पार्ट रह जाएगा, ये दोनों कंडेंस होके क्या बनाएंगे, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ये वाला पार्ट देखो यहाँ से आ गया, ये दोनों पार्ट मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नोन एज एसिटो असाइल ए सी पी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कीटो असाइल सिंथेटिस, ठीक है। अब ये जो एसिटो असाइल कॉम्प्लेक्स बना है ये यू नो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कीटो असाइल रिडक्टेज ये रिड्यूस हो जाता है एसिटो असाइल, और इसको कौन रिड्यूस करता है विद द ये रिडक्टेज एंजाइम, ये क्या करेगी NADPH2 को NADP में कन्वर्ट कर देगी और ये जो दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं वो जो है यहाँ ऐड कर देगी एसिटो असाइल में, यानी कि दो H जो है यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा CO विल बी कन्वर्टेड इनटू CHOH, इसको हम क्या बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिल, बिकॉज ये अल्फा वो है कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पर क्या हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिल ACP, राइट। अब जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिल जो है इट अंडरगोज यू नो डिहाइड्रेशन कौन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रेटेज, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होता है यहाँ से, एक OH यहाँ से आ जाता है और एक H यहाँ से जाता है, जब यहाँ से एक H2O चला जाएगा तो क्या बनेगा बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये देखो क्या फॉर्म होता है क्रोटोनिल ACP इज फॉर्म्ड, ये देखो यहाँ से चला गया डबल बॉन्ड बन गया, तो ये क्रोटोनिल ACP इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है कि क्रोटोनिल ACP इज अगेन रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ NADPH2, ठीक है, रिडक्टेज एंजाइम जो क्या करेगी NADPH2 को NADP में कन्वर्ट कर देगी और ये जो दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं वो देखो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया एक यहाँ ऐड हो गया तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा ना, तो ये आप देखो तो क्रोटोनिल विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटरिल, ठीक है। अब आप देखो कि इसके इन द एंड वी हैव ए फोर कार्बन प्रोडक्ट नोन एज ब्यूटरिल असाइल या यू कैन से ब्यूटरिल ACP, राइट। नाउ अब जो है ये चेंज जो है ये जो साइकिल जो है वो ये रिपीट होगी, अब इसके साथ देखो फिर से मेलोनिल, जैसे वहाँ पर भी एसिटाइल कोए में ACP में मेलोनिल ने वो किया था ना कॉम्प्लेक्स बनाया था, अब जो असाइल की जगह क्या बन गया हमारा जो है ब्यूटरिल बन गया, ब्यूटरिल के साथ फिर से मेलोनिल जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा और दो कार्बन एटम जो है इसमें ऐड कर देगा और ब्यूटरिल प्लस मेलोनिल विल बी कन्वर्टेड टू हेक्सोनिल ACP, और ये साइकिल जो है इस तरह से 7 times रिपीट होगी और एंड में क्या फॉर्म हो जाएगा पामेटिल SACP या पामेटिल
एसीपी कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. अब जो है व्हाट विल हैपन कि एक एंजाइम है डी असाइलेज एंजाइम क्या करेगी कि इस पार्ट को रिमूव कर देगी और पामेटिक एसिड को फ्री कर देगी. कब? जब एक बार पामेटाइल एसीपी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि लास्ट में जो है डी असाइलेज जो है एसीपी को रिमूव कर देगी और पामेटिक एसिड विल बी फ्रीड. अगर हम नेट रिएक्शन देखें, यानी कि ये एक तरह से साइकिल जो है रिपीट होगी. एक बार ब्यूटिल बन गया और बार बार इसके साथ जो है मेलोनिल विल फॉर्म. ये देखो यहाँ पे मेलोनिल आया था ना, ये मेलोनिल फिर से कॉम्प्लेक्स बनेगा. अब जो एसिटोएसिटाइल की जगह क्या बनाया था, यहाँ पे ब्यूटिल असाइल बनाएगा और ये रिपीट करेगी. ये साइकिल जो है इस तरह से रिपीट होती रहेगी जब तक पामेटाइल नहीं बन जाता. तो अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो सबसे पहले क्या था, एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में आया वेरियस सोर्सेज से, उसके साथ 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए ने कंबाइन किया, उसमें 14 NADPH2 यूटिलाइज हुए. ठीक है, अब जो है वेरियस यहाँ पे जो एंजाइम का सेट है ना, अगर आप देखे जाए तो इसको, इस एंजाइम को हम बोलेंगे फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, वो जो हमने वेरियस एंजाइम्स करी अलग अलग स्टेप्स पे, उनको बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स. ये एंजाइम्स जो है, वेरियस एंजाइम्स जो है ये, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 पामिटेट, 7 कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड, 8 कोएंजाइम ए कंपाउंड्स विल बी रिलीज्ड एंड 14 NADP विल बी फॉर्म्ड and 6 water molecules will be formed in the end of biosynthesis of palmitic acid. Correct. क्योंकि ये process जो है mitochondria से बाहर हुआ है तो इसको हम extra mitochondrial synthesis भी बोलते हैं. तो अभी हमने जो palmitic acid synthesis किया वो क्या था, वो extra mitochondrial synthesis था, यानी कि mitochondria से बाहर but साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है. पामिटेट और पामिटिक एसिड इज सेम, राइट? ये पूरा मैकेनिज्म है बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड का. इसको मैंने कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रख रही हूँ ताकि अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सको या लेना चाहो तो ले सकते हो.